हेलो नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं HNY आप सभी का बहुत बहुत दिल खोल करके स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस हिंदुस्तान में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो चार पिलर हैं, और उन चार पिलरों में से अलग अलग धर्मों का अलग अलग त्यौहार मनाया जाता, और उन्हीं त्यौहारों में से आज के दौर में जो प्रेजेंट टाइम में जो त्यौहार मनाया जा रहा है वह त्यौहार रमज़ान मुस्लिम भाइयों के लिए और रामनवमी हमारे हिंदू भाइयों के लिए। तो दोनों भाइयों के लिए मैं अपने आदर्श क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से दोनों के पर्व त्यौहार को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अपना पर्व त्यौहार बेहतर गति से, अच्छे तरीके से मनाइए और भाईचारे का रूप लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आप जैसा कि जानते हैं मेरे भाई, जो आज मैं तथ्य देने वाला हूँ, जो टॉपिक के अंतर्गत मैं आप सभी के बीच में बताने वाला हूँ, वह टॉपिक आपको बिल्कुल जानकारी के लिए ज़रूरी है। और इस पूरे वीडियो को देख करके आप इस पूरे तथ्य को समझ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो दिल, मतलब ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय, दिल जो टूटता है वह टूट करके दर्द कैसे देता है, हमको चिंता में कैसे डाल देता है और उसका इलाज क्या है, वो सब की सब चीज़ को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप कृपया करके शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपको सभी तथ्य समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इस स्क्रीन बोर्ड पर कि दिल टूटने पर भी होने वाले जो दर्द होते हैं उसका इलाज खोजा गया और वजह भी खोजी गई कि वजह क्या है और किस वजह से दर्द होते हैं टूटने के बाद। गौर कीजिएगा, कौन सा मैसेंजर हार्मोन जिम्मेदार होता है इसके लिए? मैसेंजर हार्मोन जिम्मेदार होता है या खोजा कहा गया? तो ब्रिटेन के लैब में खोजा गया, पता लगाया गया। तो चलिए चलता हूँ मैं उस मूल तथ्य पर चलता हूँ मेरे भाई, आपको लेकर के देखिए जरा। खोज क्या है भाई? तो दिल टूटने पर होने वाली दर्द की वजह खोजी गई। कहाँ खोजी गई और क्या है वो जरा देखिए आप। जरा दिल टूटने वाले दर्द की वजह खोजी गई, कहाँ खोजी गई, किस रूप से, क्या वजह है, तो जरा यहाँ देखिए मेरे भाई। दिल टूटने पर होने वाले दर्द के लिए मैसेंजर हार्मोन क्या होता है मेरे बच्चे? हार्मोन जिम्मेदार होता है। कौन सा हार्मोन? तो मैसेंजर हार्मोन। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे पूरे बॉडी के अंदर प्रत्येक हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए ग्रंथियों का कार्य होता है, और हार्मोन हमारे शरीर के अंदर सारी प्रक्रियाओं को उत्तेजित करने के लिए कार्यरत होता है। तो जो हमारा दिल होता है वो हार्मोन्स के जरिए ही तो कार्य करता है, और टूटेगा भी तो उसी की वजह से। तो यहाँ पता लगाया गया ब्रिटेन के लैब में कि दिल टूटने का जो मैसेंजर दर्द होता है वह किसकी वजह से? तो मैसेंजर हार्मोन की वजह से। इस मैसेंजर हार्मोन को मेरे दोस्तों कोर्टिसोल हार्मोन के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। दैट इज कॉल्ड मैसेंजर हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए जरा, इस हार्मोन का प्रमुख कार्य शरीर के कई हिस्सों तक संदेश को पहुँचाना होता है। किस इस हार्मोन की खोज ब्रिटेन में हर एक अध्ययन में लाइव साइंस के पत्रिका में हुआ है। मतलब जो कोर्टिसोल हार्मोन है मेरे दोस्त, उसकी खोज कहाँ हुआ था? तो आपके ब्रिटेन के एक लाइव साइंस पत्रिका में खोज हुई, वहाँ के लैब में इसको खोजा गया और इस पत्रिका में उसको उजागर किया गया कि जो मैसेंजर हार्मोन अर्थात कोर्टिसोल हार्मोन होता है उसी की वजह से हमारा जो दिल टूटता है उसके उपरांत दर्द उत्पन्न होता है। मतलब दर्द, मतलब आप समझ रहे हैं कि दिल टूटता है तो कई भागों में क्या टूटेगा, ये मतलब नहीं। सारा जी चीज़ उत्पत्ति होती है हमारे ब्रेन से, गौर कीजिएगा जरा, और ब्रेन से ही क्या होता है तो हार्मोन्स का श्रावण होता है, और वही हार्मोन हमारे शरीर को कंट्रोल करने, उत्तेजित करने, सब कुछ करने का कार्य करता है। तो यही चीज़ यह कह रहा है आपके सामने। अब मैं अगली पंक्ति में बढ़ता हूँ, जरा देखिए, ये तो खोज हो गई लेकिन अब क्या होगा देखिए जरा। इस हार्मोन के अध्ययन में बताया गया है, क्या बताया गया है मेरे भाई? अब इस हार्मोन के बारे में आप जरा समझ लीजिए कि इस हार्मोन के अध्ययन में बताया गया है कि दिल टूटने या किसी तरह की अनहोनी होने पर बढ़ने वाले तनाव के लिए
कॉर्टिसोल हार्मोन जिम्मेदार होता है। बात हमारी समझ रहे हैं? वही जो हमारे इसको शंका था, वही तो चीज़ ला करके मैंने आपको डाल दिया कि दिल टूटने पर होने वाले दर्द हो या तनाव हो या किसी भी प्रकार का चिंता हो, उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? कॉर्टिसोल। इसको क्या बोलते हैं? तो मैसेंजर हार्मोन के नाम से जानते हैं। अध्ययन में यह बताया गया है कि जब आप प्यार में पड़ते हैं तो आपके शरीर में कॉडल हार्मोन, ऑक्सीटोनिन और फील गुड हार्मोन डोपामाइन का प्रवाह होता है। सोचिए, जब आप कब प्यार में पड़ते हैं, जब आप प्यार में पड़ जाते हैं, खूब प्यार में लीन हो जाते हैं, तो वैसी लीनता में क्या क्या चीज़ बढ़ता है? तो ऑक्सीटोसिन, फील गुड हार्मोन, कॉडल हार्मोन और डोपामाइन का प्रवाह होता है। जब आप प्यार से बाहर निकल जाते हैं तो ऑक्सीटोनिन और डोपामाइन का स्तर गिर जाता है। ए बबुआ, कब प्यार में पड़े तो ऑक्सीटोनिन और डोपामाइन क्या हुआ? ग्रोथ कर गया। लेकिन प्यार में जब पड़ गए और वहाँ से कोई आपको धोखा दे दिया, आपको छोड़ दिया, तो उस समय यही हार्मोनवा क्या हो जाता है मेरे प्यारे मित्रों? गिर जाता है, मतलब यह कम हो जाता है, इसका स्तर निम्न हो जाता है ना? आ जब निम्न हो जाता है तो आपके ऊपर तनाव, टेंशन, आप पूरे चिंता फिक्र में होने लगते हैं। गौर कीजिएगा ज़रा, अब थोड़ा सा आगे आइए यहाँ पर गौर कीजिए। इंग्लैंड की डॉक्टर फॉक्स ऑनलाइन फार्मेसी के डॉक्टर दोबा रो ने बताया था। क्या बताया था भाई? तो ज़रा देख लो, यहाँ पर ज़रा देखो। ली ने बताया कि प्यार में पड़ना अक्सर लोगों को उत्साहपूर्ण बना देता है। मतलब जब आप प्यार में पड़ जाते हैं तो आपको उत्साह होने लगता है, आपको कुछ भी पता नहीं चलता, किधरों भी जा करके मिलने के लिए तैयार हो जाइएगा, रोड पर चले जाइएगा, घर पे चले जाइएगा, हिताई गनाई में चले जाइएगा। लेकिन वो क्या होगा? वो उत्साह पूर्वक हो गया, लेकिन लातो तो आप खाइएगा ना। समस्या तो ये है कि जब जब आप उत्साहपूर्ण कार्य कीजिएगा, आप कहीं गलत हो गया तो भाई आपको भुगतना पड़ेगा। तो वही यह कह रहा है, लेकिन अपने साथी द्वारा छोड़े जाने, प्यार में पड़ो, चिंता में फिक्र में आ जाओ, उत्साहपूर्ण हो जाओ, लेकिन तुम्हारा जब साथी तुमको क्या करेगा? छोड़ेगा। प्रिय जंग के अचानक निधन का अनुभव करने से नकारात्मक भावनाएं बढ़ सकती है, जो शारीरिक रूप से दर्दनाक भी होती है, मतलब महसूस कराती है। कहने का मतलब यह कह रहा है कि आप प्यार में पड़ गए तो खूब आपको आनंदित हो रहा है, लेकिन आपका साथी आपको छोड़ जाता है। आप बिल्कुल अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, उनमें से किसी का निधन हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई आपको तनावग्रस्त होने लगते हैं। आपका जो हार्मोन्स है, जो मैंने बताया था फील गुड हार्मोन, डोपामाइन हार्मोन, बात हमारी समझ रहे हैं, वो कम होने लगता है, उसका स्तर गिरने लगता है, जिसकी वजह से आपको तनाव में डाल देता है। जैसे कि मैंने आपको हार्मोन्स में बताया है एड्रेनलिन हार्मोन, वो अगर कम हो जाएगा तो फिर आप किसी का मर्डर करिएगा, तनाव में आ जाइएगा, या आप खुद से आप सुसाइड कर सकते हैं। जैसा कि अभी फिर हाल में आपको भोजपुरी की एक्ट्रेस एक अक्षरा आकांक्षा दुबे की कहानी है, उन्होंने मर्डर सुसाइड कर लिया, अपने से फांसी लगा लिया अपने से। तो आप समझ जाइएगा कि उनके अंदर यही वाली चीज़ है, इसी हार्मोन का कमी है, एड्रेनलिन हार्मोन का कमी है, जो उसको तनावग्रस्त से उबारने में सक्षम नहीं हो पाया। गौर कीजिएगा ज़रा, यहाँ कह रहा है कि प्यार में टूटना इतना दर्दनाक क्यों होता है? इसके लिए कॉर्टिसोल हार्मोन का उच्च स्तर पूरी तरह से जिम्मेदार होता है ना? अगर प्यार में आप बिल्कुल एक आंकड़ा निकाल लीजिए लास्ट में जो फाइनल, कि जब भी आपको प्यार में दर्द होता है, दिल टूटता है, तो उसके लिए किसका जिम्मेवारी होता है? तो कॉर्टिसोल हार्मोन अर्थात मैसेंजर हार्मोन, यहाँ जो मैंने पूरा तरह निचोड़ आपके दे दिया अंदर, पूरी तरह से जिम्मेवार होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। इस परिस्थिति में उच्च रक्तदाब, प्रेशर, ब्लड प्रेशर होगा, अधिक होगा, वजन का बढ़ना, जब भी आप तनाव में आएंगे उच्च रक्तदाब हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, मुहासा होने लगेगा, चिंता जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कब बबुआ? जब प्यार में पड़ेंगे तब। प्यार में पड़ने के बाद आपका साथी आपको छोड़ जाएगा तब।
ऐसी परिस्थिति में आपके शरीर के अंदर तनाव टेंशन ग्रसित हो जाएंगे, मुहासे आने लगेंगे, आप चिंता फिक्र में डूब जाएंगे और उसका मूल रूप से जो जिम्मेदार है वो कार्टिसोल हार्मोन्स ही जिम्मेदार है। तो ये मेरा जो प्रोसेस था आपको यह बताना था कि प्यार में दिल टूटने से दर्द होता है क्यों और वह किस हार्मोन की वजह से होता है, और मैंने आपको बिल्कुल डिक्लियर यहाँ समझाने की कोशिश की। तो तब तक आप मेरा यह प्रयास आपके सामने कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, ताकि हम लोग इसी तरह से वीडियो को आपकी सेवा में डालते रहें और आपको जानकारी मिलती रहे। मेरा अगला वीडियो आएगा कि एक झील है और उस झील में जाने से किसी भी जानवरों का शरीर पत्थर क्यों बन जाता है। तो अगले वीडियो के लिए इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे मेरे दोस्त। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, लव यू।